मूर्ति विसर्जन के दौरान पार्वती नदी में 5 श्रद्धालुओं की डूबने से हुई मौत। बसेड़ी से दुखद खबर। आज भूतेश्वर महादेव मंदिर स्थित पार्वती नदी में मूर्ति विसर्जन करते समय बड़ा हादसा हो गया, जहां जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं एसपी केसर सिंह शेखावत ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्यों का जायजा लिया। दुखद घटना में जिसमें 5 युवकों की डूबकर मौत हो गई, इनमें सत्य प्रकाश पुत्र परीक्षित, राजेश पुत्र कालीचरण, रणवीर पुत्र कालीचरण, संजीव पुत्र घनश्याम एवं कृष्ण कुमार पुत्र रामवीर बताए गए हैं। सभी युवक भुवनपुरा जगनेर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर थाना बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाकर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। कलेक्टर ने शहर के डेंगू पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर लिया जायजा। रैपिड रेस्पॉन्स टीम का किया गया गठन। मोहल्लावार समितियों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के दिए निर्देश। धौलपुर की बड़ी खबर। मौसमी बीमारियों एवं डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिले के शहरी क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने शहर में कच्ची कुई, मिश्रा गली, कुमारपाड़ा, इटायरापाड़ा, पुराना शहर सहित कई अन्य क्षेत्रों का दौरा कर आमजन का हालचाल जाना। उन्होंने मिश्रा गली में डेंगू से पीड़ित बच्चे अंश मिश्रा से मुलाकात की और हालचाल जाना। उन्होंने बच्चे से कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको हमारे चिकित्सक अच्छे से उपचार देकर स्वस्थ लाभ प्रदान करेंगे। ऐसा सुनकर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की कि घरों के आसपास गंदगी ना फैलाए। डेंगू 1 किलोमीटर के दायरे में अपना प्रभाव रखता है, इसलिए कूलर, छत पर रखे सामान पानी ना भरने दें, कूलर में पानी ना भरें। अपने घर की सुरक्षा के साथ साथ अपने मोहल्ले की भी सुरक्षा हेतु मोहल्लावार समितियों के माध्यम से डेंगू के बचाव के संबंध में जागरूकता पैदा करने में सहभागिता निभाएं। उन्होंने बताया कि 20 से अधिक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जो घर घर डेंगू की जागरूकता एवं बचाव के लिए क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान SDM भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, CMHO डॉक्टर गोपाल गोयल, DRDSO डॉक्टर जिले में 20 के आसपास बनाई हैं और उनमें मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज और दूसरे अधिकारियों को लगाया गया है। हम लोग विजिट भी कर रहे हैं, जन जागरण एक फैला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल फॉगिंग से ही समस्या का नियंत्रण नहीं होगा, हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि पानी का किसी प्रकार का ठहराव नहीं हो। ज़्यादातर यहाँ देखा गया है कि कूलर में या घर की छतों पर जो सामान पड़ा है उसमें पानी का ठहराव हो रहा है और उसमें लार्वा विकसित हो रहा है। हम लोग एंटी लार्वल एक्टिविटी करा रहे हैं, फॉगिंग करा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जन जागरूकता पर जोर दे रहे हैं। लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि मेरा घर मेरी जिम्मेवारी, मेरा मोहल्ला मेरी जिम्मेवारी के तर्ज पर काम करें। मेरा घर ही साफ रहे जरूरी नहीं है, इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आसपास के घरों में भी साफ रहे, क्योंकि अगर दूसरे घरों में अगर लार्वा विकसित होता है तो वो आपको भी प्रभावित कर सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है। निरंतर तौर पर केसेज में फैला हो रहा है, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने घरों की सुरक्षा नहीं करेंगे, तब तक समस्या का निदान करने में हम लोग काफ़ी दिक्कत महसूस करेंगे। स्वयंसेवक संघ में दशहरा पर्व मनाया। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज स्थानीय पालीवाल धर्मशाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दशहरा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवक एकत्र हुए तथा संघ के प्रोण विभाग प्रमुख पुरुषोत्तम शर्मा ने उद्बोधन दिया। उन्होंने अपने उद्बोधन में राष्ट्र निर्माण में स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया तथा समर्पित होकर राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सह जिला कार्यवाहक ज्ञान सिंह मीणा सहित अनेक वरिष्ठ एवं युवा स्वयंसेवक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के अंत में संघ की प्रार्थना कर समापन किया गया। संघों के विरोध के आगे झुकी सरकार, अब होंगी दिवाली की छुट्टियां। जयपुर की प्रमुख खबर। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों की छुट्टियां निरस्त किए जाने के आदेश को राज्य सरकार ने पलटते हुए गत दिवस एक आदेश जारी कर कहा कि दीपावली पर 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक अवकाश रहेगा तथा शिक्षक सम्मेलन भी होंगे आयोजित। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा गत 12 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर मध्यावधि अवकाश निरस्त करने एवं शैक्षिक सम्मेलन नहीं होने के आदेश दिए थे, जिन्हें शिक्षक संघों के जबरदस्त विरोध के चलते राज्य सरकार ने संशोधित कर दिया है। धौलपुर जिला कलेक्टर रहे कुमारपाल गौतम को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, RPSC के बनाए सचिव। जयपुर की प्रमुख खबर। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा गत दिवस जारी की गई सूची के अनुसार 18 IAS की अधिकारियों के पदस्थापन एवं तबादला किया गया है। इस सूची के अनुसार धौलपुर जिला कलेक्टर रहे कुमारपाल गौतम IAS को RPSC अजमेर के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुमारपाल गौतम को RPSC सचिव के महत्वपूर्ण पद की विशेष जिम्मेदारी दी है।
रैना वाली माता मंदिर के पट खोले गए। राजाखेड़ा की प्रमुख अमर उड़पन के गांव मरेना के पास रहने वाली माता का मंदिर है, जो कि कई दिनों से सरकार के आदेश अनुसार उसके पट बंद कर दिए गए थे, जिसके पट अब खोल दिए गए हैं। बुधवार को शाम के समय जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल दर्शन के लिए आए और उन्होंने जनता की मांग पर रैना वाली माता के मंदिर के पट खोलने के आदेश कर दिए। यहाँ शनिवार को मेला लगता है, इसलिए आने वाले शनिवार को बाहर से आने वाले दर्शन करने वाले लोग दर्शन करने अवश्य आए। मरेना से सत्य प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक अवकाश घोषित। धौलपुर के प्रमुख कवर जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत राकेश कुमार जायसवाल ने जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रों में पंचायत समिति धौलपुर व राजाखेड़ा में 20 अक्टूबर, बाड़ी व सेपो में 30 अक्टूबर, सरमथरा एवं बसेड़ी में 26 अक्टूबर का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। डेंगू बुखार का भारी प्रकोप, जिला अस्पताल में मरीजों की भरमार। धौलपुर की प्रमुख खबर, धौलपुर शहर के जिला चिकित्सालय में छोटे बच्चों में बीमारी डेंगू के मरीजों की भरमार हो गई है, जहां एक बेड पर एडमिट हो रहे छः छः बच्चे। धौलपुर शहर के चिकित्सालय में डेंगू की महामारी के चलते एक बेड पर छः छः बच्चे भर्ती हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बेडों की कमी हो गई है जिला चिकित्सालय में और बाकी बच्चे जमीन पर एडमिट हैं। चिकित्सालय के कर्मचारी और डॉक्टर नहीं दे पा रहे उन पर ध्यान और वहाँ पर भीड़ डॉक्टरों के आगे पीछे घूम रहा है। जिला चिकित्सालय में अर्थव्यवस्थाओं का आलम है। जिला चिकित्सालय का जब यह हाल है तो उपखंड में स्थित अन्य चिकित्सालयों का क्या हाल हो रहा होगा, इसकी सहज की कल्पना ही की जा सकती है। धौलपुर से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। साईं मंदिर पर पुण्यतिथि मनाई। धौलपुर की प्रमुख खबर, आज शुक्रवार को महात्मा नंद की बगीची स्थित साईं मंदिर पर शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था की ओर से साईं बाबा की पुण्यतिथि सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई, जिसमें महाआरती के तत्पश्चात प्रसादी वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंगल, आस्तिक परमार, अजय शर्मा, राहुल कंसाना, संदीप गुप्ता, राहुल मंगल, मीडिया प्रभारी अमित सक्सेना सहित समस्त सदस्यगण एवं भक्तगण उपस्थित रहे। राजपूत समाज ने रावण पैलेस में शस्त्र पूजन कर मनाया दशहरा मिलन समारोह। सरमथुरा की प्रमुख खबर, कस्मा सरमथुरा में शुक्रवार को राजपूत समाज ने रावत पैलेस में विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राजेश सिंह जादौन ने बताया कि विजयदशमी पर्व बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म की विजय परिचायक है। वहीं समाज की एकता व अखंडता पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान हालातों को देखते हुए समाज को एकजुट होने की महती आवश्यकता है। समारोह को संबोधित करते हुए जय सिंह मरहारपुर ने कहा कि समाज नारी में शक्ति व बालिकाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। युवा उद्यमी शंकर सिंह जादौन ने दशहरा मिलन समारोह की भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं दिलीप परमार ने सामाजिक कार्यों में युवा पीढ़ी की अरुचि पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समाज के कार्यों में युवाओं को पहल करनी चाहिए, साथ ही सामाजिक कार्यों में निरंतर भाग लेना चाहिए। इस दौरान समारोह में उपस्थित राजपूत सरदारों ने माँ दुर्गा का पूजन के साथ शस्त्र पूजन किया। इस अवसर पर भोला सिंह, कप्तान ददरोनी, सोमी जादौन, पृथ्वी सिंह, दुर्ग सिंह, जंडेल सिंह सहित अन्य राजपूत सरदार मौजूद रहे। सरमथुरा से दिलीप परमार की रिपोर्ट। सरमथुरा कस्बे के थाना परिसर में किया गया खाद का वितरण। सरमथुरा की प्रमुख खबर, राज्य में डीएपी खाद की कमी का संकट पूर्ण संपूर्ण जिले में दिखाई दे रहा है। किसानों को खाद नहीं मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए आज सरमथुरा कस्बे में पुलिस अभिरक्षा में डीएपी खाद का थाना परिसर में वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दराज से किसान खाद लेने के लिए उमड़े, जिसमें सुबह से ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की लाइनें लग गई और किसी भी प्रकार के अप्रिय हालत में बचने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस थाने में किसानों को खाद वितरित किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष खाद लेने के लिए पुरुष थाना सरमथुरा पहुंचे। यहां बारी बारी से सभी को खाद वितरण किया गया। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया शस्त्र पूजन। सरमथुरा की प्रमुख खबर, कस्बे में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा बालिका आदर्श विद्या मंदिर सरमथुरा में विजयदशमी के संघ के स्थापना के शुभ अवसर पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभाग शारीरिक प्रमुख रवि जी ने बौद्धिक देते हुए कहा कि संघ 2025 में 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है, जिसमें संघ प्रत्येक मंडल तक पहुंचने का कार्य करेगा। संघ में जितना काम 97 वर्षों में किया गया है, उससे कहीं अधिक काम 3 वर्षों में पूर्ण करेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने अपने अपने शस्त्रों का पूजन किया, साथ ही भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की कामना करते हुए जय श्री राम व भारत माता के जय घोष लगाए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक बंधु उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।
वैराग्य जीवन के 50 वर्ष पूर्ण करने पर भक्तों ने संत जी का किया अभिनंदन। सरमथुरा की प्रमुख खबर, उपखंड में चल रही श्री राम कथा के अवसर पर परम पूज्य संत अवधेश कुमाराचार्य जी महाराज का भक्तों के द्वारा वैराग्य जीवन के 50 वर्ष पूर्ण करने पर फूलों से श्रृंगार कर भावपूर्ण अभिनंदन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। वहीं इसी दौरान श्री महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा एवं हिंदू धर्म को बचाने के लिए उनके द्वारा संपूर्ण भारत में राम कथा के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं भगवान श्री राम संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, जिनका नाम मात्र से ही प्राणी का संसार सागर से मुक्ति होकर मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य को राम कथा जरूर सुननी चाहिए। व्यक्ति अपनी संस्कृति को आत्मसात करना जरूरी है, और जो हिंदू समाज के लोग हैं अगर संस्कारों पर ध्यान नहीं देंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इससे बचना है तो संस्कारित होना बहुत जरूरी है। हम क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी उपासना क्या है, इन सारी चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। और हम अपने बच्चों को, अपने बालिकाओं को इससे अवगत कराएं कि हम क्या हैं। अगर ऐसी जानकारी मिल जाएगी तो निश्चित बात है लव जिहाद पर कंट्रोल हो जाएगा। दादी के साथ हुई मारपीट को लेकर नाती ने सदर थाना में करवाई FIR। धौलपुर की प्रमुख खबर, पीड़ित के द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि शुक्रवार को पीड़ित की दादी घर पर बैठी हुई थी। उसी समय चाचा मोहर सिंह व चाची कमलेश ने दादी से गाली गलौज करने लगे। गाली देने से मना किया तो चाचा मोहर सिंह ने दादी के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे सिर में चोट लग गई और मेरी चाची कमलेश ने बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। मारपीट एवं रोने की आवाज़ सुनकर बाहर से आया मैंने अपनी दादी को बचाया। दर्ज FIR में पुलिस अनुसंधान अधिकारी लाखन सिंह ने बताया कि बुजुर्ग मां को पीटने का मामला सामने आया है, जिसमें जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। धौलपुर से जोगेंद्र सागर की रिपोर्ट। कहाँ रहती हो? दरिया पर। क्या मामला है? पूरा मामला जो है कोई बात ना चीज़ भूटी साँची झगड़े करते हैं बहू करते वो कमले मारी छत पर नहीं करी है कुछ और किसने कितने दिन से मार रही है लोग? और ये लोग जो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने हमको मारा है, ये आरोप लगाने ना मारे बेचारे, ऐसा कोई मामला है क्या? नहीं। तो ये वैसे ही मामला को वैसे ही लगा रहे हैं, तो झूठ वैसे ही। ये क्यों लगा रहे हैं, पुलिस को क्यों बदनाम कर रहे हैं? बदनाम कर रहे हैं कि कुछ रुपया मिल जाए बूटी से वो ये मामला है पूरा। ये कब की घटना है? अब आपने FIR करा दी? करा दी।